KSN 24 पल पल की खबर। चालू मानसून मौसम में किए जा रहे वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लगाए जा रहे पौधों को जानवरों की चराई से बचाने के लिए वन विभाग इन दिनों ट्री गार्डों का उपयोग कर रहा है और इन ट्री गार्डों की सप्लाई हो रही है जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा। जी हाँ, बिहान योजना के तहत जिले की स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने अब तक करीब 10 से 12 हज़ार ट्री गार्ड बना लिए हैं और लगभग 1,000 ट्री गार्ड वन विभाग को उपलब्ध करा दिए हैं। अभी तक लगभग 1,000 ट्री गार्डों को वन विभाग को बेचकर स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने 3-4 महीने में ही 4.5 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय कर लिया है। जिले में रोशनी महिला स्व सहायता समूह जेंजरा, जय गुरुदेव स्व सहायता समूह बतारी, लक्ष्मी स्व सहायता समूह उड़ता, मड़वा रानी स्व सहायता समूह बक्साही, जय सत्य कबीर समूह बिरदा, काव्य स्व सहायता समूह देवलापाठ जैसे 10 से अधिक समूहों की महिलाएं बांस से ट्री गार्ड बनाने के काम में लगी हैं। करतला विकास खंड के देवलापाठ के काव्य स्व सहायता समूह की महिलाएं, जिसमें कुल 10 सदस्य हैं, वे भी गांव में ही एक जगह एकत्रित होकर ट्री गार्ड बनाने का काम कर रही हैं। काव्य स्व सहायता समूह की अध्यक्ष रुकमणी साहू बताती है कि बिहान योजना के तहत ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के मार्गदर्शन के बाद ट्री गार्ड बनाना शुरू किया गया। महिला समूहों को ट्री गार्ड बनाने के इस काम में अच्छा फायदा हो रहा है। बांस के एक ट्री गार्ड को बनाने में औसतन 220 से 250 रुपए की लागत आती है। शासन द्वारा निर्धारित दर 320 से 350 रुपए में बेचने से लगभग प्रति सेट 100 रुपए का फायदा हो जाता है। रुकमणी की माने तो एक दिन में 80 सेट तैयार हो जाता है। इस तरह उनके समूह को करीब 8,000 रुपए प्रतिदिन का लाभ हो रहा है। रुकमणी साहू ने आगे बताया कि ट्री गार्ड की आय से समूह की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई है। हम लोग समूह द्वारा ट्री गार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? बिहान योजना से BPM साहब आए थे, उन्होंने हम लोग को समूह के माध्यम से ट्री गार्ड बनाने की सलाह दी। ये ट्री गार्ड उपयोग कहाँ पे होगा, क्या काम है इसका? जगह जगह वृक्ष लगाए जा रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड को बनवा रहे हैं। रुकमणी जी, एक ट्री गार्ड बनाने में क्या क्या सामान आप लोगों को लग रहा है, कितने की लागत आ रही है आप लोग एक बनाने से? इसमें बांस और कील, और जैसे कि बांस का रेट हम लोग देख कर लेते हैं, छोटा वाला को कम में, बड़ा वाला को ज्यादा में, तो लगभग मजदूर सही तो 250 पड़ जा रहा है। और इसको आप लोग बेच कितने में रहे? जो शासन द्वारा निर्धारित दर है लगभग 320 ऐसा कुछ, तो उतना में ही दे रहे हैं। मतलब एक दिन में आप लोग कितना ये सेट बना लेते हैं? एक दिन में वही 80 सेट बना लेते हैं। मतलब कुल मिला के एक सेट के पीछे आप लोगों को 100 रुपया बेनिफिट होता है जी। टोटल 8,000 पर डे का जी। कितनी समूह में कितनी महिलाएं हैं और एक एक महिला को कम से कम कितने पैसा पर डे पड़ता होगा? समूह में 10 महिलाएं हैं और सब महिलाओं को कम से कम 68,000 का फायदा हो रहा है। तो इससे क्या आप लोग आत्मनिर्भर बने हैं इस कार्य से आप लोग? जी हाँ, इस कार्य से हम लोग आत्मनिर्भर बने हैं। जैसे कि हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए पति पर आत्मनिर्भर रहना पड़ता था, तो इस समूह के माध्यम से जो फायदा हो रहा है वो उससे हम अपने आप आत्मनिर्भर बने हैं। अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ बांस सप्लाई किया है? अभी जहाँ जहाँ मांग होती है वहाँ वहाँ सप्लाई करते हैं। तो अभी कटघोरा वन मंडल में मांग हुए तो वहाँ सप्लाई किए हैं, और ये जानकी तरफ से प्लांट से आया था वहाँ भी दिए हैं लगभग 1,000। कोरबा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत राज्य शासन द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सड़क किनारे और राम वन गमन पथ पर वृक्षारोपण होना है, जिसके तहत इस साल लगाए गए 30,000 पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाने थे, जिसे एक अवसर के रूप में लेकर बिहान के तहत महिला समूह को बंसोड़ों से प्रशिक्षण दिलवाया गया। आज महिलाएं प्रशिक्षित होकर ट्री गार्ड बना रही हैं। अभी कोरबा जिले में मनरेगा के माध्यम से और वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें रोड साइड प्लांटेशन और राम वन पथगमन योजना है, उसमें करीब हमको पूरी जो रिक्वायरमेंट थी, करीब हमारे 30,000 पेड़ लग रहे थे, उनके लिए ट्री गार्ड की आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, हमारी महिलाओं को ट्रेन किया,
एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद कम से कम 12-13 हज़ार ट्री गार्ड बनाने में वो सफल रही, और वो सारे ट्री गार्ड उन्होंने प्रति 450 रुपये के रेट से उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बेच दिया है, और करीब उनको करीब 5-5.5 लाख रुपये की उनकी उनको आय हुई है। इसके लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था। इनको हमारी पूरी NRLM की जो टीम है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है और ब्लॉक लेवल के जो BPMs है, YPs है, उन लोगों ने बजाबता उनकी एक हफ्ते की ट्रेनिंग कराई। बंसोड़ों के माध्यम से उनका उनको बताया गया कैसे किया जाता है। शुरुआत में गलतियाँ भी हुई, लेकिन आज के डेट में हमारी जो SNG की दीदियाँ हैं वो बहुत ही अच्छा ट्रिगार्ड बना रही हैं, जो कि बहुत ही मजबूत भी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि तैयार ट्री गार्ड को समूह की महिलाओं ने वन विभाग को प्रति सेट 450 रुपये में बेचकर आर्थिक लाभ कमाया है और आत्मनिर्भर बन महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। कोरोना संकट काल का जिक्र करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि ऐसे समय में घर की महिलाओं को आय का साधन मिलना भी उनके जीवन के लिए उपयोगी है। ये बहुत ही अहम कदम होगा महिला सशक्तिकरण के की दिशा में, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का या खासकर के महिला का की आय में वृद्धि होती है, एक समूह की आय में वृद्धि होती है, तो वो कहीं ना कहीं परिवार उससे बहुत ही पॉजिटिवली उससे अफेक्ट होता है, अपने बच्चों पे अपने परिवार पे और ज़्यादा ध्यान दे पाती है। और कोविड के संक्रमण काल में अगर आप किसी को किसी भी एक नॉर्मल परिवार में एक नॉर्मल महिला को अगर एक मिल जा रहा है इस तरह का एक इनकम अपग्रेडेशन मिल जा रहा है, तो ये बहुत बहुत ही उनके लाइफ में उपयोगी सिद्ध हो। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की बिहान योजना महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की एक अहम योजना है। इस योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के तहत कोरबा जिले की महिलाएं ट्री गार्ड बनाकर अपनी आय का स्रोत बढ़ा रही है। इसके पहले बिहान से जुड़ी महिलाओं ने रक्षाबंधन के लिए राखियां भी बनाई, जो आज बाजार की रौनक है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस में भी इन महिलाओं द्वारा तैयार तिरंगे ग्राम पंचायतों में फहराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।